नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। खटकिया चौराहे के पास एबी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को कुचला, दो बच्चों की मौत एवं पति पत्नी गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। पुलिस मौके पर पहुंची एवं मामला दर्ज कर जांच में लिया। बीनागंज में 136 साल से स्थानीय कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। भव्यता के साथ होने वाली इस रामलीला की गुना जिले में विशिष्ट स्थान है। आज श्री राम जी के राज तिलक का मंचन किया गया। आज के मंचन में प्रथम आरती विधायक ममता मीना जी एवं उनके पति एसपी आगर रघुवीर सिंह मीना ने की। बीनागंज से हमारे सहयोगी कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ आरके शर्मा की रिपोर्ट। चंपावती स्कूल में मनाया गया गांधी जी का जन्मदिन। आज दिनांक 3 अक्टूबर को चंपावती स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी होने के कारण आज स्कूल के सभी बच्चों और अध्यापकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो पर पुष्प अर्पित किए, साथ ही हाथ जोड़े। और इसके बाद स्कूल के प्राचार्य हरीश पालीवाल ने सभी बच्चों को बताया कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था और उन्हें अहिंसा का पुजारी कहा जाने वाला महात्मा गांधी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इस मौके पर चंपावती स्कूल का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आरोन में शेरदिल अखाड़ा कमेटी ने रखा सम्मान समारोह। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए आज शेरदिल अखाड़ा कमेटी द्वारा नगर के गणमान्य नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्ञात रहे कि नगर में प्रतिवर्ष ताजिया निकलने से पहले शेरदिल अखाड़ा कमेटी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए ये कार्यक्रम रखा जाता है। इस कार्यक्रम में आरोन SDM अरविंद वाजपेयी, थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह सहित कई अन्य लोगों का स्वाफा बांधकर स्वागत एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। नगर में ताजिया एवं अखाड़ों का जुलूस भी निकाला गया, जिसमें कई कलाकारों द्वारा कलाकारी प्रस्तुत की गई, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित रहे। नवरात्रि का पर्व
बड़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और आज ये तालियों का कार्यक्रम भी आपकी कुशल मार्गदर्शन में कुशल उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। मैं हारून से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर रघुवंशी की रिपोर्ट। करबला के शहीदों की याद में किया पौधारोपण। सिंहवासा तालाब पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोपे 51 पौधे। मुहर्रम के मुबारक महीने में हजरत इमाम हुसैन रजी ने बुराई के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी एवं शहादत का जाम पी लिया। आज फिर दुनिया तरह तरह की बुराइयों में मुलव्विस है, जिससे इस दुनिया को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहीं नूरुल्लाह यूसुफ जई ने बताया कि इन्हीं में से एक समस्या दुनिया में इस वक्त पैर पसार रही है, वह है पर्यावरण की समस्या। यदि हम पर्यावरण का ख्याल रखेंगे तो निश्चित ही दुनिया में भविष्य के जीवन की कल्पना की जा सकती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सिंहवासा तालाब पर हजरत इमाम हुसैन की याद में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। शासकीय कॉलेजों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा 8 अक्टूबर को चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है, पर आज तक किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन पोर्टल पर नहीं दी गई। इसी बात को लेकर आज ऑल इंडिया डीएसओ ने प्रदेश भर के सभी कॉलेजों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रुप में कहा गया कि जो घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है उन्हें विधिवत पूर्ण कराया जाए और जो चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए, साथ ही जल्द चुनाव कराए जाने की घोषणा की जाए। आपको बता दें कि 7 सालों से कॉलेजों में चुनाव नहीं कराए गए हैं। प्रति श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा प्राचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना मध्य प्रदेश, विषय छात्र संघ चुनाव अविलंब प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा कराए जाने की मांग पर ज्ञापन। डीएसओ के द्वारा पूरे प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री के नाम की जो चुनाव प्रक्रिया है। अभी मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा भी की थी कि 8 तारीख को चुनाव होंगे, लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल है अभी देखा जा रहा है कि कोई भी गाइडलाइन अभी पोर्टल पर नहीं डाली गई है और उसको टाला जा रहा है। तो आज ये मांग की गई है ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा कि पूरी मध्य प्रदेश में जो चुनाव प्रक्रिया है वो तुरंत उसकी घोषणा की जाए, उसकी डेट अनाउंस की जाए और पोर्टल पर पूरा विधिवत तरीके से उसको डाला जाए। इस मांग को लेकर आज प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया है, साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना चाहिए, इस मांग को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। विगत 2011-12 में चुनाव हुए थे, 7 साल से ये प्रणाली बंद है कि चुनाव प्रक्रिया अभी समाप्त की गई है, 7 साल हो चुके हैं। इसके बाद में अभी भी घोषणा की गई थी कि 6 सालों के बाद चुनाव होंगे, लेकिन अभी तक हुए नहीं है। तो ये जो घोषणा है इसको तुरंत ही लागू किया जाए और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना चाहिए, इस मांग को लेकर आज प्राचार्य को ज्ञापन दिया है। जन सुनवाई में एक युवक को बांधकर लाया गया, यह देख सभी लोग सदके में आ गए। जब पता किया गया कि आखिर माजरा क्या है तो पता चला कि उक्त युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और इसका इलाज चल रहा है। परिजन उस युवक का इलाज कराने के लिए पागलखाने भिजवाने की गुहार लेकर कलेक्टर के समक्ष आए थे। अपर कलेक्टर नियाज अहमद खान ने तुरंत ही युवक की रस्सियाँ खोलने को कहा, जिसके बाद उनकी बात सुनी गई। अब मेरी शादी नहीं भाई, खाना टूट तो बस, अब खाना टूट तो गेम कहीं गेम बताओ पागल कपड़े ले जा, पागल हो जाए, पागल हो गया। हाँ, एक बार गोली भी लगाए, दो बार मेरा जी कर वाला है, अब दोबारा हो गया, तो दोबारा गोली रेफर कर रहा है। आप क्या चाहते हैं? गोली का करना है, पागल खाने और बनवाना है, पत्र बनवाना है, क्या नाम है इनका? माधव खान, जो गया हमारे चाचा भाई, छोटा भाई है, छोटा है। ऑटो चालकों ने की हड़ताल। पुलिस के द्वारा ऑटो चालकों पर की जा रही सख्ती के विरोध में आज बंद रहे ऑटो, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऑटो चालक मनमाने किराए पर लोगों को लूटते हुए नजर आए। यातायात विभाग द्वारा
स्कूल जाने वाले ऑटोओं पर सख्ती से की जाने वाली कार्रवाई के विरोध में और कम बच्चों को बिठाने को लेकर बनाए जा रहे चालान से परेशान ऑटो चालकों ने आज काम बंद रखा, जिसके बाद ऑटो यूनियन ने अपना ज्ञापन भी दिया। ऑटो चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा हो रही कार्रवाई एवं ऑटो पर स्कूली 10 बच्चे प्रति ऑटो बिठाने बाबत उपरोक्त विनम्र निवेदन है कि गुना शहर में शहर की क्षमता से अधिक ऑटो हो चुके हैं, जहां इतनी सवारी नहीं मिलती। जितने ऑटो हैं लेकिन ऑटो चालक बमुश्किल दिन भर ऑटो चलाकर 100 से 200 रुपए ही मजदूरी कमा पाता है और स्कूली बच्चों को लाने ले जाने में अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करना है कि यातायात पुलिस द्वारा ऑटो चालकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, उनके कोर्ट की चालानी कार्रवाई की जा रही है, जो 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक के चालान किए जा रहे हैं। जबकि मैंने देखा है कि कई जिलों में 10 बच्चे ऑटो में सीमित बैठ जाते हैं, 10 से ओवरलोडिंग हो उनके ऊपर बाकायदा प्रशासन कार्रवाई करे, हम प्रशासन के साथ हैं। लेकिन अगर 3 बच्चे बैठा के ऑटो चालक बच्चे छोड़ेंगे तो उसमें शायद पालक की जेब भी कटेगी और ऑटो चालकों को 2 पैसे नहीं मिल पाएंगे। हमारा केवल यही निवेदन है कि ऑटो चालकों के लिए 10 बच्चे बिठाने की अनुमति प्रदान करें और अगर 8 दिन में हम लोगों को माननीय कलेक्टर महोदय का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ और इस बीच में यातायात पुलिस अगर किसी भी ऑटो चालक के साथ कार्रवाई करती है तो हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय में आज पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। साथ ही बढ़ते अपराधों को कैसे रोका जाए आदि विषयों पर छात्राओं के साथ जनसंवाद भी किया गया। समस्याओं को हम उन तक पहुंचाएं और बच्चियों को जो समस्या है वो हमें बताएं, है ना। तो आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, वो हम लोगों से शेयर करें, हम लोगों को बताएं। पुलिस की क्या कमियां हैं वो हमसे शेयर करें और आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं पुलिस से वो आप लोग हम लोगों को बताएं। एट ए टाइम हम नहीं कर सकते ना, कॉलेज में स्कूल वाली चाहिए, गाड़ी हम लोग भी ढके रहते हैं, चोरी के भी तरीके से जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है हमारी कॉलोनी में भी, हम एक दो बार ऐसा देख चुके हैं। तो एट ए टाइम हम लोगों को क्या स्टेप लेना चाहिए? कभी भी कोई भी समस्या हो आप बताएं, तत्काल हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। हम सभी चारों लोग कोतवाली में पोस्टेड हैं, आपका जो स्कूल है वो कोतवाली के अंडर में रहता है ना। तो कभी भी कोई समस्या हो तो बताएं, कभी शर्मा नहीं, ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर हम अपनी बात किसी को बताएंगे तो इसमें हमारी बेइज्जती हो। एक तो हमारे साथ पहले ही गलत हुआ है, ऊपर से हम उस चीज़ को छुपाएं तो मतलब अपने साथ और गलत कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? हमारे पुलिस PHQ से निर्देश आया गया है, एक आयोजन एक जागरूकता अभियान चलाया गया है जिसके थ्रू हम लोगों को स्कूलों में जा जाके बच्चियों से जनसंवाद करना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनका निराकरण कैसे किया जाए उस विषय में उनको जानकारी देनी थी। तो इसके चलते हम लोग आज कस्तूरबा महाविद्यालय में आए और उनको विशेष प्रकार की जानकारी दी कि किस तरह बढ़ते अपराधों को रोका जाए, अपने साथ होने वाली लीड टीचिंग या कुछ भी हरकतों को किस तरह से मैनेज किया जाए, हम किस तरह से अपनी आत्म सुरक्षा करें, उन विषय में बच्चों को जानकारी दी। सुबह होम डेकोर की दुकान में लगी आग, जिसे बमुश्किल बुझाया गया। इंडस्ट्रियल एरिया में बनी इस दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान होना बताया गया है। आग के कारण अभी तक अज्ञात हैं। नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा तो समय पर पहुंच गए और तुरंत ही आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी को चलाकर उसका सफाई कर्मचारी लाया, जिसे यह भी पता नहीं था कि कैसे आग बुझाई जाए। आसपास के लोगों ने आग बुझाने में मदद की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें वेतन आयोग को शीघ्र लागू करना, पेंशन योजनाओं को लागू करना, शासन की श्रम विरोधी नीति को समाप्त करना प्रमुख मांगें थीं।
कर्मचारी एकता जिंदाबाद, बैंक जैसा काम न दो, बैंक जैसा वेतन दो, बैंक जैसा काम न दो। एक दिवसीय हड़ताल जिला सहकारी बैंक के द्वारा की गई है। सातवां वेतनमान की मांग के संबंध में हमारे संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के संबंध में, पेंशनरों को पेंशन बनाने के लिए और हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए स्थायी करने के लिए हड़ताल की गई है। आगामी हड़ताल पूरे प्रदेश में हमारी 13 तारीख के तरह दोबारा पूरे प्रदेश में इस मांग के लिए हड़ताल की गई है। आज राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह कलेक्टर राजेश जैन से मिलने पहुंचे, जहां कई मुद्दों पर उनकी कलेक्टर राजेश जैन से विस्तृत चर्चा भी की। साथ ही शक्कर कारखाने के किसानों को जल्द से जल्द पैसा मिले, इस संबंध में भी बात की गई। सेम सभी ब्लॉक 40 40 39 40 तो सब जगह एवरेज इज इक्वल, मतलब कहीं भी ज्यादा नहीं है कि कहीं 55 हो गया हो, ऑलमोस्ट किसी में 39 किसी में 41 इस तरह का। और ये सर्विस चालू हुई अपनी जो इस बार जो और उसमें भी सोयाबीन में 1776 हमें कटिंग करना है, तो वो चल रहा है। वो हमारी एक रिपोर्ट चाहिए उनके बारे में था, दूसरा अपने शुगर फैक्ट्री का जो, हाँ वो एक मेजर इशू है, हाँ उसका भी अब वो बात हुई हो रहा है, वो शक्कर बेच के उसको पेमेंट होगा, कर रहे हैं दिया था, कब तक कर रहे हैं कुछ पता ही है, वो समय सीमा बस वो बैंक से बातचीत चल रही है, 5,000 8 करोड़ और उसमें उतनी ही क्विंटल शक्कर पड़ी है कारखाने में, उसको बेचकर करवा देंगे। क्या है कि वो प्लेज्ड है बैंक को, लेकिन क्योंकि किसानों के हित में बात है तो वो पहले वो किसानों को लगभग 3,000। हम अभी हम ज्योतेश्वर भी गए थे दिग्विजय सिंह जी की यात्रा में शामिल होने के लिए, बरवान से फिर यात्रा प्रारंभ हो गई थी और अभी हम जाएंगे वापस लगभग 11 तारीख को और उसमें शामिल रहेंगे 3-4 दिन के लिए। शायद कल लक्ष्मण सिंह जी पूर्व सांसद शामिल रहेंगे एक हफ्ते के लिए। तो इसी प्रकार से अनेक लोग जो श्रद्धालु भी हैं, विजय सिंह जी के समर्थक भी हैं, पुराने मित्र भी हैं, सब लोग अलग अलग दिन शामिल हो रहे हैं। और जिस प्रकार की अभी जब मैं गया था नरसिंहपुर और ज्योतेश्वर तो काफ़ी उस समय धूप भी थी, उमस भी थी, लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह जी बहुत मेहनत से यात्रा कर रहे हैं और पूरी सक्रियता से कर रहे हैं, उनको बहुत लोगों का साथ भी मिल रहा है और बस हमें पूरा विश्वास है कि जैसे ही वो हर दिन बीतते जाएगा ईश्वर को और शक्ति प्रदान करेगा और पूरी यात्रा सफल होगी। आए ग्रामीण अपनी जमीन पर दबंगों के द्वारा किए गए कब्जे हटाने के लिए जनसुनवाई में पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ दबंगों ने गरीब और असहाय लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया है और वापस भी नहीं दे रहे। इन्हीं लोगों पर कार्रवाई करवाने के लिए आज ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंचे। तथा जिला पुलिस प्रशासन द्वारा SST वर्गों के प्रति उदासीनता और लापरवाही पूर्ण रवैये के विरोध में गया। महोदय उपरोक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि जिले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में ग्राम पाठ ही है जो शहरिया आदिवासियों का पुरा है, उसमें 225 बीघा जमीन है, वो शासकीय जमीन पट्टी हुए थे 87 में और उसके बाद इन लोगों से वो जमीन कैसे भी करके दबंग लोगों ने कब्जा लिया। क्या नाम है दबंग? दबंग लोगों का नाम है मुकेश है। लायंस क्लब के द्वारा आज नगर में निकाली गई स्वच्छता रैली। इस रैली में स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होती ही निकाली गई। जागरूकता, स्वच्छता, प्रोत्साहन, पर्यावरण एवं सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन Thank you.
हमारा गांव स्वच्छ होगा, हम स्वच्छ होंगे। सभी से निवेदन है, हम लोग सारे से रैली के माध्यम से स्वच्छता का आह्वान कर रहे हैं। आप सब ध्यान रखिए कि अपने दुकानों से निकला हुआ सारा कचरा डस्टबिन के अंदर डालें, और जो डबल पालकों की गाड़ी आपको सुबह सुबह आती है उसमें कचरा अपना जो भी कचरा निकलता है वो उसमें डालें। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में हाट के चौक स्थित हनुमान मंदिर धरनावदा पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान ग्राम के मुख्य मार्गों से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष श्याम ओझाने की। साथ ही कहा कि संस्कृति में प्राचीन काल से ही शस्त्र पूजन किए जाते हैं। हमारे देवी देवताओं ने भी अपने हाथों में जो शस्त्र धारण किए हैं जो कि मानव कल्याण के लिए और पापियों को नाश करने के लिए हैं। कार्यक्रम का संचालन बंटी भदौरिया ने किया। आभार व्यक्त नितिन शर्मा ने किया। उपस्थित सदस्यों में वीरेंद्र तिवारी, गोलू ओझा, कल्लू चंदेल, प्रदीप केवट, दीपक ओझा आदि सैकड़ों बजरंगी उपस्थित थे। के लिए आगे आई जबलपुर की हेल्पिंग हैंड ग्रुप सामाजिक संस्था। प्रत्येक महीने होगी मदद। दो माताएं बड़ी मुश्किल में जीवन जी रही हैं। उनके बच्चे पोलियो और लकवा से ग्रसित हैं और उन बच्चों के पिता भी नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से वो अपना जीवन यापन कर पा रही थी। प्रमोद भार्गव ने हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप को संपर्क किया और उनके परिवार को डिटेल भेजी, तो उसके बाद सभी लोगों ने निर्णय लिया कि दोनों परिवारों को 1500 रुपए का सामान, पूरा दूध, आटा, दाल, शक्कर व अन्य सभी दैनिक उपयोग की वस्तुएं दी जावे। इसलिए आज इन लोगों के घर पहुंचकर इनको सामान वितरित किया गया। श्याम जैन साहब, पूरा मटेरियल दे रहा हूं। हां, मैं लगा रहा हूं, 10 मिनट में लगा रहा हूं। दार, मिर्चे, तेल, हल्दी, धनिया, साबुन, शक्कर, चाय पत्ती, सब सब। देखी दार तुअर की 150 रुपए किलो की सब चीज दे दे। सब लिया जे आटो अपन अच्छा वाला लाए, तो सबसे अच्छा आटो है ना, बढ़िया। हां, सबसे अच्छा आटो लाए। 10 आटो जा में, हां 10-15 किलो तो मैं लगाऊंगा भी। तूने राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा समिति के द्वारा स्वदेशी पखवाड़ा की शुरुआत दिनांक 1 अक्टूबर 2017 को संगोष्ठी आयोजित कर दूसरे दिवस स्वदेशी जागरूकता रैली का आयोजन जैस्तम चौराहे से किया गया। रैली नगर के मुख्य मार्ग शास्त्री पार्क, सदर बाजार, हाट रोड होते हुए हनुमान चौराहे पर एक आम सभा के साथ सम्पन्न हुई। डी
खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।